आरएलपी का चुनाव चिन्ह बदलने के बाद विधायक हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को मीडिया से बात की। बेनीवाल ने कहा कि चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग का फैसला सर्वमान्य है, इसको लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसमें हमें नहीं उलझना है। हनुमान बेनीवाल 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता तथा रालोपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को चुनाव आयोग ने रालोपा का चुनाव चिन्ह बदला था और अब बोतल की जगह टायर चिन्ह दिया गया है। पहले वाला चिन्ह तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टी को दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि चुनाव आयोग से मिले 8 अप्रैल के पत्र के अनुसार बोतल चुनाव चिन्ह आरएलपी को आवंटित नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसे मैं विधायक हूँ, हमारे 3 विधायक जीते हैं, हमें चुनाव आयोग ने बोतल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर गुजरात की एक पार्टी जिसने 2 स्टेट में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करी, रजिस्ट्रेशन कराया वहाँ पर, गुजरात में तो कप प्लेट का चुनाव चिन्ह मांगा और राजस्थान में बोतल का चुनाव चिन्ह उस पार्टी ने मांगा और चुनाव आयोग ने बोतल का चुनाव चिन्ह राजस्थान के अंदर और गुजरात की पार्टी को अलॉट कर दिया। हमें आरएलपी को टायर्स 3 टायर और 1 टायर खड़ा है, 3 टायर 1 टायर 1 टायर से टायर्स का चिन्ह आवंटित किया है। हमने अपील कर दी है बोतल के लिए, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर चुनाव आयोग बोतल पर लड़ाएगा तो बोतल पर लड़ लेंगे, अगर आयोग टायर्स पर लड़ाएगा तो टायर्स पर लड़ लेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।